टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज रेजोनेंस स्ट्रक्चर। अगर हम बात करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो हमारे पास ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको हम एक्सप्लेन करते हैं विद द हेल्प ऑफ लेविस स्ट्रक्चर, या जिसको हम डोर स्ट्रक्चर बोल सकते हैं। ठीक है, सो लेविस स्ट्रक्चर में हमने स्टडी किया था, लाइक हमने प्रीवियस क्लासेस अगर आपने देखी है तो उसमें हमने स्टडी किया था, लाइक हमारे पास सिंपल मॉलिक्यूल है यहाँ पे CH4 दैट इज मीथेन। तो यहाँ पे हमारे पास कार्बन की टेट्रावेलेंसी होती है, ये भी हमको पता है, एंड देन हाइड्रोजन की पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, वन वैलेंसी है। सो इस तरीके से हमने स्ट्रक्चर देखा था। ठीक है, सो इसको हम बोलते हैं लेविस स्ट्रक्चर या डोट स्ट्रक्चर। एंड देन यहाँ पे क्या बन जाता है, कोवलेंट बॉन्ड विद द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये है हमारे पास क्या, लेविस स्ट्रक्चर। बट अगर हम बात करें यहाँ पे किसकी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अदर मॉलिक्यूल्स की, लाइक सभी को लेविस स्ट्रक्चर जो है एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है बेंजीन, बेंजीन हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड है, इसकी हमने लाइक सिंपल प्रॉपर्टी स्टडी कर ली थी, लाइक ये फॉलो करता है 4N+2π रूल को, एंड प्लेनर होना चाहिए, एंड डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज हमने बेंजीन की स्टडी कर ली थी। बट अगर हम यहाँ पे रेजोनेंस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे बेंजीन का सबसे पहले हम स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं, लाइक इस तरीके से हम बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाते हैं। अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो ये हमारे पास क्या है, बेंजीन का स्ट्रक्चर। अगर इसको हम ओपन करके बनाए तो किस तरीके से बनाएंगे, लाइक CH, there is CH, CH, and CH, इस तरीके से हमारे पास प्रेजेंट होगा। एंड यहाँ पे अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड लगा देते हैं, लाइक यहाँ पे एंड देन यहाँ पे एंड देन यहाँ पे। अल्टरनेट का मतलब है यहाँ पे, लाइक यहाँ पे अगर हमारे पास डबल बॉन्ड है देन हमारे पास सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, देन डबल बॉन्ड एंड देन सिंगल बॉन्ड एंड देन डबल बॉन्ड एंड देन सिंगल बॉन्ड, इसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन भी बोल सकते हैं, कॉन्जुगेशन। ठीक है, सो ये हमारे पास बेंजीन का स्ट्रक्चर है। अगर हम इस स्ट्रक्चर को देखें तो यहां से हमको क्या देखने को मिल रहा है, लाइक यहाँ पे हमारे पास कार्बन एंड कार्बन सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, लाइक अगर हम यहाँ पे देखें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, लाइक कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड एंड कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। ठीक है, सेकंड चीज हमको क्या देखने को मिल रही है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, लाइक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड यहाँ पे है, यहाँ पे भी है एंड यहाँ पे भी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे एक तो हमारे पास सिंगल बॉन्ड है कार्बन के बीच में एंड एक डबल बॉन्ड है। ठीक है, तो लाइक ये दोनों प्रॉपर्टी ही, यहाँ पे एक हम वर्ड यूज करते हैं, दैट इज इनएडिक्वेट, इनएडिक्वेट जिसका मतलब होता है नॉट इनफ, इनफ नहीं है ये। ठीक है, सो ये हम यहाँ पे वर्ड यूज करेंगे इनएडिक्वेट। तो ये जो लाइक सिंगल बॉन्ड है डबल बॉन्ड है, सिर्फ यही प्रॉपर्टी इनएडिक्वेट है इसकी, जो बेंजीन की प्रॉपर्टीज को डिफाइन करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे और भी डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती है बेंजीन की, वो क्या क्या होती है वो देख लेते हैं। अगर हम यहाँ पे कंसीडर करें, हमारे पास यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है एंड डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होनी चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट बॉन्ड लेंथ होनी चाहिए, क्योंकि हमको पता है अगर हमारे पास कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट रहता है तो यहाँ पे बॉन्ड लेंथ जो है शॉर्ट होती है, देन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की एंड देन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की। ठीक है, तो अगर यहाँ पे बॉन्ड लेंथ शॉर्ट रहती है तो ये हमारे पास शॉर्ट बॉन्ड लेंथ मिलनी चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे बात करें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की, सो दिस इज 154 पिकोमीटर, एंड अगर डबल बॉन्ड की बात करें सो दैट इज 134 पिकोमीटर। ठीक है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की जो हमारे पास वैल्यू होती है किसकी, बॉन्ड लेंथ की। तो यहाँ पे क्या होगा, जब हम इस स्ट्रक्चर को देखते हैं तो हमको ऐसा लगेगा कि यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट बॉन्ड लेंथ प्रेजेंट है, बट अगर हम एक्सपेरिमेंटली इसको देखें, सो एक्सपेरिमेंटली हमने ये देखा कि यहाँ पे जो कार्बन कार्बन के जो बॉन्ड है दीज आर यूनिफॉर्म, मतलब सारी यहाँ पे बॉन्ड लेंथ क्या है, सेम है, एंड दीज आर लाइज बिटवीन दीज वैल्यूज। तो यहाँ पे हमारे पास कार्बन कार्बन की
बॉन्ड लेंथ जो होगी दैट इज इक्वल टू 139 पिकोमीटर एंड दिस इज इक्वल टू 139 पिकोमीटर। तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट बॉन्ड लेंथ हमको नहीं देखने को मिलेगी, यहाँ पे सारी की सारी जो बॉन्ड लेंथ होती है दीज आर यूनिफॉर्म एंड दीज आर इक्वल टू 139 पिकोमीटर बाय एक्समैन वेंटर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लाइक सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड को देख के ये नहीं बोल सकते कि लाइक इनकी प्रॉपर्टीज इस तरीके से होंगी। देन अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं किसकी, रेजोनेंस की, तो यहाँ पे एक सिंगल स्ट्रक्चर लाइक इसको हम शो करके ये नहीं बोल सकते कि यही इसका एक एक्यूरेट स्ट्रक्चर है, तो इसको हम लाइक फॉर्म करेंगे विद द हेल्प ऑफ टू स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं कैनोनिकल फॉर्म। ठीक है, तो उसको हम किस तरीके से बनाएंगे, तो हमने ये बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है तो इसको हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज बेंजीन स्ट्रक्चर, ओके, सो दिस इज फर्स्ट स्ट्रक्चर एंड इसको हम इस डबल हेडेड एरो, दोनों साइड एरो है इसलिए इसको हम बोलते हैं डबल हेडेड एरो, तो इसको हम इस तरीके से शो करेंगे लाइक यहाँ पे भी हमने बेंजीन रिंग बनाई एंड देन ये वाला जो डबल बॉन्ड है ये यहाँ पे भी आ सकता है लाइक ये यहाँ पे आ सकता है, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे भी आ सकता है, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे भी आ सकता है, सो दिस दिस एंड दिस। ठीक है, सो इस तरीके से हम शो करते हैं बेंजीन रिंग को, हम नेमिंग भी कर देते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। अगर हमको यहाँ पे रेजोनेंस स्ट्रक्चर दिखाने हैं तो इसको हम इस तरीके से यहाँ पे फॉर्म करेंगे फर्स्ट एंड सेकंड, इसको हम बोलेंगे क्या, कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स एंड इसको हम लाइक बोल सकते हैं कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, लाइक यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर हमको देखने को मिल रहे हैं, इसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, जो एनर्जी होगी किसी भी मॉलिक्यूल की वो स्टेबलाइज करेगी लाइक मोर स्टेबल होगा। अगर हम इस स्ट्रक्चर को देखें एंड यहाँ पे हमारे पास दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं, इनको हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलेंगे या कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं। सो ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर है या कैनोनिकल स्ट्रक्चर है तो ये ज्यादा स्टेबल होंगे एज कम्पेयर टू दिस एक्चुअल स्ट्रक्चर, सो एनर्जी जो होगी इन कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स की ये स्टेबल होगी, ज्यादा होगी इनकी एनर्जी एज कम्पेयर टू बेंजीन रिंग। ओके, एंड देन अगर हम बोले कि ये हमारे पास जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है इसको हम बोल सकते हैं दीज आर हाइपोथेटिकल, लाइक इनके जो मॉलिक्यूल्स है हम एक्चुअल में नहीं बता सकते कि किस तरीके से है, दीज आर हाइपोथेटिकल। नाउ वी कैन ऑल्सो कंसिडर अदर मॉलिक्यूल टू डिस्क्राइब दिस रेजोनेंस स्ट्रक्चर, सो दैट इज नाइट्रोमिथेन CH3NO2। सो इसके इसको हम कंसिडर करके भी हमारे पास जो प्रॉपर्टीज है उनको स्टडी करते हैं। एंड अगर हमको यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखाने हैं तो यहाँ पे जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होगी इसको हम शो करेंगे विद कर्व्ड एरो, लाइक आप इसको इस तरीके से शो कर सकते हो, ये जो हमारे पास बॉन्ड है या फिर इलेक्ट्रॉन है इसको हम इलेक्ट्रॉन पेयर बोलते हैं, सो ये मूव करेगा यहाँ पे, ये मूव करेगा यहाँ पे, ये वाला मूव करेगा यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके का स्ट्रक्चर हमको मिल जाएगा एंड देन हम वापस से इस तरीके से शो कर सकते हैं, ये वाला बॉन्ड मूव करेगा यहाँ पे एंड देन ये मूव करेगा यहाँ पे एंड देन ये मूव करेगा यहाँ पे, तो वापस से ये वाला स्ट्रक्चर मिल जाएगा हमको। ठीक है, तो इस तरीके से जब हम इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट शो करते हैं तो वो कर्व्ड एरो के साथ शो करेंगे। अब हम यहाँ पे स्टडी करते हैं CH3NO2 दैट इज नाइट्रोमिथेन। सो नाइट्रोमिथेन के लिए यहाँ पे जो हमारे पास दो कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे एज लाइक बेंजीन CH3NO2। तो हमने यहाँ पे लिखा CH3 देन N एंड एक दो ऑक्सीजन है यहाँ पे, एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा एंड एक ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बनाएगा। देन यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज एंड देन हम इलेक्ट्रॉन देख लेते हैं, सो यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट होगा एंड देन इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा तो मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है,
सो हमारे पास यहाँ पे इस तरीके से तीन लोन पेयर दिखा देंगे एंड नेगेटिव चार्ज, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट को हम शो करेंगे कर्व्ड एरो से। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लाइक नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन का बॉन्ड। सो यहाँ पे हमारे पास दो तरीके के बॉन्ड देखने को मिल रहे हैं, नाइट्रोजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड एंड नाइट्रोजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, ठीक है। तो अगर हम बात करें इस स्ट्रक्चर को देख के, तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट बॉन्ड लेंथ होनी चाहिए, बट यहाँ पे हमारे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे, जिसकी वजह से जो इसकी बॉन्ड लेंथ होगी नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन के बीच की, दीज आर लाइज बिटवीन दीज टू बॉन्ड लेंथ, इनकी जो बॉन्ड लेंथ होगी दोनों की, उसके इंटरमीडिएट में हमको कहीं पे इसकी बॉन्ड लेंथ देखने को मिलेगी एंड दीज आर यूनिफॉर्म, ओके। सो अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सो ये नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज आगे की तरफ यहाँ पे मूव करेगा, नेगेटिव चार्ज मतलब यहाँ पे हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। सो ये यहाँ पे मूव करेंगे एंड देन ये जो हमारे पास डबल बॉन्ड है ये आगे की तरफ मूव करेगा, तो यहाँ पे हमारे पास जो स्ट्रक्चर बनेगा दैट इज CH3N पॉजिटिव एंड देन यहाँ पे हमारे पास सिंगल बॉन्ड था, देन ऑक्सीजन एंड देन यहाँ पे हमारे पास डबल बॉन्ड था। तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो गए हैं, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, तो इसको हमने डबल बॉन्ड शो कर दिया एंड ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ से चला गया है। सो इस तरीके से इसका ऑक्टेट हम दिखा देंगे, ठीक है। लाइक या तो अगर आप इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं कि दो इलेक्ट्रॉन नहीं दिखा रहे, तो डायरेक्ट आप नेगेटिव चार्ज भी दिखा सकते हैं इस तरीके से, ओके। एंड देन यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव हो गए इसके ऊपर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन पेयर को हमने इस तरीके से दिखा दिया, और नेगेटिव चार्ज के साथ आप इस तरीके से भी शो कर सकते हैं इसको, ठीक है। अगर वापस से हमारे पास ये यहाँ पे वापस जाए नेगेटिव चार्ज एंड देन ये इसके ऊपर मूव होगा, तो हमारे पास वापस से ये जो स्ट्रक्चर था यही मिल जाएगा, तो दीज आर टू कैनोनिकल स्ट्रक्चर ऑफ दिस नाइट्रोमिथेन। अगर नाइट्रोमिथेन का स्ट्रक्चर हमको अगर डिस्कस करना है, तो हमको ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने पड़ेंगे, ठीक है। एंड देन यहाँ पे कुछ सिंपली रूल भी होंगे जिसकी हेल्प से हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं। सो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट रूल है, फर्स्ट रूल इज लाइक हमारे पास जो न्यूक्लियाई होगी उसको हमको चेंज नहीं करना है, लाइक जिस तरीके से हमने स्ट्रक्चर को लिखा है उसी तरीके से हम स्ट्रक्चर को डिफाइन करते जाएंगे। हमारे पास न्यूक्लियाई जो होनी चाहिए वो सेम पोजिशन पे होनी चाहिए, न्यूक्लियाई इज रिमेन्स सेम, ठीक है। सेकेंड, हमारे पास जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे दोनों स्ट्रक्चर में इक्वल प्रेजेंट होंगे, लाइक यहाँ पे हमने देखा कि लाइक वन टू थ्री फोर इलेक्ट्रॉन्स है एंड देन दिस नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये मूव कर रहा है एंड देन हमारे पास ये डबल बॉन्ड यहाँ पे मूव करा, तो यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ पे अगर हम यहाँ पे काउंट करें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो वो हमारे पास इक्वल होने चाहिए, लाइक इस स्ट्रक्चर में भी एंड यहाँ पे भी, ठीक है। सो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर इक्वल, यहाँ पे हम स्टडी कर रहे हैं क्या, लाइक हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने के लिए कौन कौन से रूल फॉलो करेंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर रूल्स, ठीक है। थर्ड रूल इज हमारे पास ये जो चार्ज का जो सेपरेशन है वो कम होना चाहिए, लेस सेपरेशन ऑफ चार्ज, सेपरेशन ऑफ चार्जेस। एंड इफ वी आर टॉकिंग अबाउट लाइक हमारे पास कोई भी सिंपली मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, तो वहां पे अगर कोवलेंट बॉन्ड एंड नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो उनको हम प्रेफरेंस देंगे, ठीक है। तो उनकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, जितने ज्यादा नंबर ऑफ हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड होंगे उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, सो मोर नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स। फिफ्थ इज इफ देयर इज अ नेगेटिव चार्ज, लाइक हमारे पास नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है एंड पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, इफ दिस नेगेटिव चार्ज इज प्रेजेंट इन इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम एंड दिस पॉजिटिव चार्ज इज प्रेजेंट इन इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम, सो दीज आर मोर स्टेबल, ठीक है। अगर हमने लाइक यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन हमको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, लाइक अगर हम नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखें,
सो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन, हमको पता है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सो इसके ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो दिस इज मोर स्टेबल, एंड देन इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है सो दिस इज मोर स्टेबल। सो दिस इज अवर फिफ्थ रूल। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ हमारे पास क्वेश्चन है, इनको हम देख लेते हैं। राइट द रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ CH3COO नेगेटिव एंड शो द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय कर्व एरो। सो हमको यहाँ पे स्ट्रक्चर किसका बनाना है, CH3COO नेगेटिव, CH3COO नेगेटिव। सो हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं CH3COO नेगेटिव। ठीक है, हम इलेक्ट्रॉन पेयर भी दिखा लेते हैं यहाँ पे इस तरीके से, एंड ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है हम नेगेटिव चार्ज के साथ दिखा रहे हैं क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज के साथ आए हैं। जहां पे यहां से जो कोई भी लाइक हाइड्रोजन था ये यहां से रिमूव होके चला गया है, देन हमारे पास नेगेटिव चार्ज ये आया है, इसलिए इसको हम इस तरीके से भी शो कर सकते हैं। देन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमको शो करना है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये नेगेटिव साइन यहाँ पे मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ मूव करेंगे, एंड देन ये डबल बॉन्ड यहाँ मूव करेगा। ठीक है, देन हमारे पास जो स्ट्रक्चर बनेगा दैट इज CH3CO एंड O। देन यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन मूव हो गए हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर, एंड देन ये इलेक्ट्रॉन पेयर चला जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर, सो O नेगेटिव। सो यहाँ पे इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉन पेयर दिखाएंगे, ऑलराइट। एंड देन यहाँ पे भी हम थर्ड एरो शो कर सकते हैं, लाइक ये अगर नेगेटिव चार्ज वापस से यहाँ पे आए एंड देन ये डबल बॉन्ड चला जाएगा इसके ऊपर, तो वापस से हमको ये स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। सो दीज आर टू कैनोनिकल स्ट्रक्चर ऑफ CH3COO नेगेटिव। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, एंड कर्व एरो से हमने शो कर दिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट सेकेंड क्वेश्चन, राइट रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ CH2 डबल बॉन्ड CH CHO, इंडिकेट रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, एंड इसकी स्टेबिलिटी भी हमको शो करनी है। ओके, सो सबसे पहले हम यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेते हैं, सो द फॉर्मूला विल बी CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO। तो CHO एल्डिहाइड ग्रुप है, इसको हम किस तरीके से लिखते हैं, C डबल बॉन्ड O H, सो C डबल बॉन्ड O एंड देयर इज H। ठीक है, सो ये हमारे पास मॉलिक्यूल है, तो अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमको बनाने हैं। सो इसको हम स्ट्रक्चर वन मान लेते हैं यहाँ पे, देन हमने क्या किया, इसके लोन पेयर भी हम शो कर देते हैं, ऑक्सीजन के ऊपर टू लोन पेयर होते हैं, देन ये जो हमारे पास पाई बॉन्ड है, पाई इलेक्ट्रॉन पेयर बोल सकते हैं, पाई बॉन्ड है, ये मूव करेगा यहाँ पे, एंड देन ये डबल बॉन्ड मूव करेगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो स्ट्रक्चर बनेगा दैट इज CH2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन गए हैं, देन CH यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, डबल बॉन्ड C एंड देन ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, एंड देन दो लोन पेयर हमारे पास प्रेजेंट थे, नेगेटिव चार्ज आया है इसलिए हम यहाँ पे टू इलेक्ट्रॉन इस तरीके से शो कर रहे हैं, एंड देन H, ये हमारे पास कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर हो गया सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे हमने मूवमेंट किस तरफ करवाई है, यहाँ पे अगर हम ये मूवमेंट इस तरफ कराएं तो क्या हमारे पास स्ट्रक्चर बन सकता है, लाइक मैं सेम यहाँ पे एग्जाम्पल लिख लेती हूँ, यही फर्स्ट कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O H, तो यही वाला मॉलिक्यूल मैंने यहाँ पे लिखी है ताकि मैं दूसरे तरीके से मूवमेंट दिखा सकूं इलेक्ट्रॉन की। सो अब हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर था ये मूव करके चला गया इस कार्बन के ऊपर, ठीक है, इस कार्बन के ऊपर चला गया, देन यहाँ पे क्या होगा, ये हमारे पास लोन पेयर प्रेजेंट है, लोन पेयर प्रेजेंट है, ये आ जाएंगे हमारे पास यहाँ पे, सो हमारे पास कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगा, CH2 CH CO H। ठीक है, इस तरीके से। तो अब हम अगर इसकी मूवमेंट देखें तो यहाँ
पे हमारे पास इसने इलेक्ट्रॉन लिए हैं, जो इलेक्ट्रॉन लेता है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पर हम लगा देंगे नेगेटिव चार्ज। एंड देन यहाँ पे हमारे पास डबल बॉन्ड आ जाएगा एंड दिस इज अ सिंगल बॉन्ड एंड ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, सो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। सो इसको हम थर्ड स्ट्रक्चर बोल देंगे, ठीक है। दिस इज फर्स्ट स्ट्रक्चर, दिस इज सेकंड स्ट्रक्चर एंड दिस इज थर्ड स्ट्रक्चर। अब इसकी जो स्टेबिलिटी है वो हमको बतानी है, तीनों स्ट्रक्चर में से हमारे पास कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो यहाँ पे मैं बोल रही हूँ हमारे पास जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है दैट इज अ मोर स्टेबल, फर्स्ट स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल देन सेकंड स्ट्रक्चर एंड देन थर्ड स्ट्रक्चर। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, लाइक अभी हमने रूल्स स्टडी किए हैं किसी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को बनाने के लिए। तो सबसे पहले हमारे पास लाइक न्यूक्लियाई चेन नहीं होनी चाहिए एंड देन हमारे पास जितने ज्यादा नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स होंगे एंड नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो उतना ही हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, स्ट्रक्चर हमारे पास स्टेबलाइज होगा। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे ज्यादा कोवलेंट बॉन्ड है, यहाँ पे हमारे पास चार्जेस आ गए हैं, यहाँ पे भी हमारे पास चार्जेस आ गए हैं, इसीलिए सबसे ज्यादा स्टेबल मॉलिक्यूल हमारे पास ये है, ठीक है। तो फर्स्ट स्ट्रक्चर हमारे पास सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड भी ज्यादा है एंड यहाँ पे चार्जेस भी नहीं है, ओके। नाउ सेकंड स्ट्रक्चर, लाइक अगर हम यहाँ पे बात करें ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर ही यहाँ पे नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है एंड कार्बन, लाइक कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, कार्बोकेटायन, जो कि यहाँ पे स्टेबल है। तो ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव है एंड ये हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है एंड इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है सो इसीलिए स्टेबल है। तो ये हमारे पास आ जाएगा सेकंड स्ट्रक्चर। देन थर्ड स्ट्रक्चर में हमारे पास क्या है, यहाँ पे अगर हम बात करें कार्बन की, सो कार्बन के ऊपर हमारे पास नेगेटिव चार्ज है एंड ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अगर ऑक्सीजन जो है हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल ही नहीं होता है, सो दिस थर्ड मॉलिक्यूल इज लेस स्टेबल, सबसे कम स्टेबल हमारे पास थर्ड मॉलिक्यूल होगा। ऑलराइट, सो इस तरीके से हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं एंड जो रूल्स है उनको अप्लाई करते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक रेजोनेंस स्ट्रक्चर एंड नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे लाइक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किस तरीके से फॉर्म होते हैं, ठीक है। होप ये टॉपिक आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। हिट द लाइक बटन, शेयर विद योर फ्रेंड एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच। Don't wanna sleep in, 'cause I got something to prove, I gotta take